औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है, और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। आपने देखा होगा, आज तो मैं जब हिमाचल आता हूं तो हिमाचल का ट्रांसपोर्टर मेरे पास आता है, कहता साहब जब से आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हम बड़े सुकून से यूपी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा साहब आज वहां कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा हमसे नहीं मांगता, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। बहन और भाइयों, हमारा संकल्प था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, वह संकल्प भी पूरा हुआ, और हमारा संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करके इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है।